हर ईद पिछली ईद की तरह नहीं होती, कुछ वो खुशियां नहीं होती, कुछ अपने नहीं रहते, कुछ वो रिश्ते नहीं रहते जिनसे हमारी खुशियां वाबस्ता थीं। मेरी तरफ से आपको और आपके अहले खाना को और उन लोगों को जो हमसे नाराज़ हैं या हमसे बात करना नहीं चाहते, और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानियों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ईद हम सब के लिए और तमाम उम्मते मुसलमा के लिए रहमत का, मग़फ़रत का और हदायत का ज़रिया बने। ईद की खुशियों में अपने रिश्तेदारों को और ख़ास तौर पे गरीब रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को, मिस्कीनों को ज़रूर याद रखें और उन तमाम लोगों को गले लगाएं जो हमसे किसी वजह से रूठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को ईद की खुशियों में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।